सबसे पहली बात तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में ना मोस्टली चीजें आपको वो देखने को मिलेंगी जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। अगर आप थोड़े से भी समझदार स्टूडेंट हैं तो मोस्टली चीजें ऐसी देखने को मिल जाएंगी जिनमें कि आप कहेंगे कि ये तो मुझे पहले से पता था, ये मुझे पहले से आता है, समझे ना। जैसे हमने एल्कोहल की प्रॉपर्टीज में जो पढ़ा था वो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में काम आ सकता है हमारे, समझ मारी बात ना भाई। हमने कहीं अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना सीखा था कि नहीं सीखा था, याद है कुछ? अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना तो कैसे बनाते हैं, कोई बताएगा? अल्कोहल से एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, याद आ रहा है ना, बहुत अच्छे। अगर हम अल्कोहल से अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं K2Cr2O7H2SO4 की प्रेजेंस में तो वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर के कहां तक चला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक। लेकिन सर अगर कंट्रोल ऑक्सीडेशन करें तो हम चाहें तो उससे एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, पता है ना ये बात, बहुत अच्छे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन की IUPAC नेमिंग को कायदे से समझ लिया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको नोमेनक्लेचर में कोई डाउट नहीं रह गया होगा, थोड़ा बहुत अगर कोई डाउट रहेगा भी या अगर आपको कुछ चीजें और क्लियर करनी भी होंगी तो वो अच्छा खासा जब हम पढ़ेंगे। तो हर बार जब भी कोई रिएक्शन लिखी जाती है तो आप उसका नाम जरूर लिखा करो, मैं चाहे रिएक्शन में कंपाउंड के नाम लिखूं या ना लिखूं लेकिन आप उसके नीचे उसका IUPAC नेम जरूर लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। IUPAC नेमिंग की भी साथ साथ क्या होती रही, प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है ना। बढ़े आगे, तो आज का हमारा नया टॉपिक है क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, लिखिए हेडिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे, अभी बस हम केवल एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बातें करेंगे, ठीक है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ओके। कुछ मेथड्स ऐसे होंगे जिनसे दोनों फॉर्म हो जाएंगे, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। कुछ मेथड ऐसे होंगे जिनसे केवल एल्डिहाइड बनेगा, कुछ मेथड ऐसे होंगे जिनसे केवल कीटोन बनेगा। पहली बात तो ये ध्यान समझना है। तो हम पहले वो वाले मेथड्स पढ़ेंगे जिनसे दोनों फॉर्म हो सकते हो, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी, ठीक है, बहुत अच्छे। तो पहला लिखेंगे, आप एक आध मेथड तो मुझे ऐसे ही बता दोगे, सबसे पहला मेथड तो हम बोलेंगे सर फ्रॉम एल्कोहल, अगर हम एल्कोहल से चाहें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया जा सकता है नहीं बनाया जा सकता है, बोलो ना अविनाश, बना सकते हैं ना, बहुत अच्छे। कीटोन भी बना सकते हैं क्या, एल्कोहल से कीटोन, हाँ जरूरी हो जाएगा कि कौन सा एल्कोहल होना चाहिए, सेकेंडरी एल्कोहल, याद करो बताया था कि प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन का फॉर्मेशन होता है, क्या कह रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन से, है ना। ऑक्सीडेशन विद क्रोमियम एंड मैंगनीज, मैंगनीज रिएजेंट्स, मतलब हम ऑक्सीडेशन करा देंगे किसका, RCH2OH, बोलो क्या है ये RCH2OH, मतलब एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, K2Cr2O7 से भी ये काम हो सकता है बशर्ते कि H2SO4 कॉन्सेंट्रेट ना लो, नॉर्मल ले लो और सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दो जिससे कि कंट्रोल हो जाए ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। और ना भी हो, अगर नहीं भी कंट्रोल हो रहा है तो जितना एल्डिहाइड बने उसको फौरन क्या करो, एक्सट्रैक्ट कर लो, मतलब उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने से पहले ही क्या कर लिया जाए, रिमूव करा लिया जाए रिएक्शन से, समझे ना। तो आपका क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनेगा प्लस साथ में क्या बनेगा, H2O, मुझे उम्मीद बात समझ में आ रही होगी, है ना। उस ये जो RCH2OH वाला कार्बन है ना, इसी से क्या हो जाएगा, एक OH हटेगा यहां से, ठीक है ना, और उसी से H हटेगा, H2O, अरे बताओ ना H2O कौन से कार्बन से, H2O निकालने के लिए मैंने बताया था पिछली बार ना कि H कहां से जाएगा, दूसरे कार्बन से, अरे उसी कार्बन से OH और उसी कार्बन से H, और फिर इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा करके ये वाला ऑक्सीजन, और क्या हो जाएगा आपका H2O रिमूव, क्लियर है। और वैसे भी ये सब दिमाग में नहीं बैठाना है कि H2O बनेगा क्या बनेगा, बस हमें समझना है किसी भी एल्कोहल से ऑक्सीडाइज करने पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और बेहतर होगा अगर आप चाहते हो कि एल्डिहाइड डायरेक्टली बने और आपको कुछ सोचना भी ना पड़े, तो फिर आप कहिए कि सर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, किसी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताओ, वेरी गुड, कॉलिंस रिएजेंट या फिर PCC, वेरी गुड, या फिर
पीडीसी, ठीक है ना। तो पीसीसी का प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, आरसीएचओ, बात खत्म। बस याद रखो आप, RCH2OH के ऑक्सीडेशन से RCHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, CH3OH, CH3OH प्लस O, बताओ लव क्या बनेगा, CH3OH प्लस O, लव बताएगा, रुक जाओ, लव को ध्यान दो। जितने कार्बन का अल्कोहल होता है उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। करस्पॉन्डिंग का मतलब यही होता है कि जितने कार्बन का अल्कोहल था उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्म होगा, यही तो होता है करस्पॉन्डिंग का मतलब, ठीक है ना। तो बताओ कितने कार्बन का अल्कोहल है ये, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बनेगा, एच सी एच ओ प्लस, साथ में क्या बनेगा, एच टू ओ, ठीक है ना, एच सी एच ओ प्लस एच टू ओ, बहुत बढ़िया। इसका नाम बताओगे तुम मुझे, मजा आ जाएगा, बता दो एक बार इसका नाम। देखो कितनी बुरी बात है ये, है ना, अभी पेपर तुम्हें भी देने हैं, ऐसा नहीं कि उसको ही अकेले देने पेपर, उससे पूछ रहे हो। क्या है ये, मिथेनॉल, और ये क्या है, मिथेनल, मिथेनॉल से क्या बन जाएगा, मिथेनल, ठीक है ना। सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू ओ एच, सूर्य प्रताप, इसका नाम बताओ जल्दी से, अरे बोलो जल्दी, इसका नाम नहीं बता पा रहे हो, हाँ प्रोपेनॉल, ये गधे हैं ये लोग, किस किस्म के गधे हैं समझ नहीं आता, गधों गधों की भी किस्में होती हैं, उनमें भी तुम तो एकदम अपर श्रेणी के दिख रहे हो, है ना। देखो एक दो तीन चार, चार कार्बन काउंट नहीं हो रहे तुमसे, तो चार के लिए कितना होता है, ब्यूट, है ना, तो क्या होगा, ब्यूटेनॉल, फिर प्रोपेनॉल क्यों कह रहे हो, ब्यूटेनॉल, अब ब्यूटेनॉल से क्या बनेगा, ब्यूटेनल, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच ओ। बबीता इसका नाम बता सकती हो तुम, बोलो ना बच्चे, बबीता नहीं आया क्या, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनॉल, कुल मिलाकर करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, एल्कोहल से करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, एल्कोहल से करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, ये हुआ केवल एल्डिहाइड बनाने का तरीका एल्कोहल से। अब इसी में हम क्या करेंगे, ये समझ में आ गया होगा, तो कीटोन बना लेते हैं। कीटोन बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए होगा सर। तो सेकेंडरी अल्कोहल कैसा होता है, बोलो बच्चे बता सकते हो, सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहते हैं, नहीं बता, तुम बताओ, तुम बताओ आज तक किस तरह के अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल कहा जाता है, तो बस यही तो बताना था, फिर इसमें क्या कंफ्यूज हो रही हो, हाँ जिस कार्बन से OH अटैच है उसी कार्बन से अगर दो कार्बन अटैच हो तो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब, इसका जनरल फॉर्मूला ऐसे कुछ लिखा जाता है, CHOH, नहीं समझे, देखो जिस कार्बन से OH अटैच है वो अगल बगल में दो कार्बन से अटैच है तो ऐसे कार्बन को कहा जाता है 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा सर, कीटोन का, ठीक है ना। बार बार कह रहा हूं, अगर इस चैप्टर में आपने ये भी लिखा देखा ना तो डर मत जाना इससे, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, क्योंकि वो ये आपसे कह ही नहीं रहा कि आप वहां तक जाने दो उसको, भले ही ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकिन बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म में एल्डिहाइड और कीटोन ही बनते हैं, अगर आपने रोका नहीं उसको, कंट्रोल नहीं किया तो वो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक चला जाएगा, समझ गए ना। तो अभी फिलहाल क्या बनेगा बताओ, आर आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना, आर सी, ध्यान देना, आर सी डबल बॉन्ड ओ फिर आर, और ये H2O क्या हो जाएगा, रिमूव, तो ये हो जाएगा आपका H2O, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आ जाओ जी, आप बता इसका मुझे, है ना, साथ साथ लिखते जाना भाई, इसमें इतना टाइम नहीं दूंगा मैं अभी आपको कि आप बार बार अलग अलग, क्योंकि इतना कुछ मुश्किल नहीं है, सब पहले से पढ़ा हुआ है, बस इसका नाम बता दो मुझे, आदित्य तिवारी, बच्चे इसका नाम बता दो, CH3CH3CHOH, अरे भाई क्या हो गया, प्रोपेन टू ऑल, क्या हो गया तुम लोगों को, ज्यादा सोना खरीद लिया क्या तुम लोगों ने, है ना, कनक कनकते सौ गुनी माँ दत्ता अधिकाय, जो खाए वो बोरा है और जो पाए वो बोरा है, नहीं नहीं सुनी है, अरे यार क्या सुनते हो यार तुम लोग, क्या पढ़ते हो अलंकार, अलंकार कुछ नहीं पढ़ते हो क्या, हिंदी में क्या पढ़े हो, उसके पास तो है ना हिंदी, तो फिर तुम्हें तब भी नहीं पता है ना,
अरे तो वैसे भी पहले से पढ़ा हुआ होगा है ना, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा या रूपक है, पता नहीं कौन सा है, कुछ ऐसा ही है ना। नहीं अनुप्रास ना हुआ है, अनुप्रास कहां से आ गया इसमें? अरे अनुप्रास होता है जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती रहती है, उसको अनुप्रास कहते हैं। मुझे कुछ भी बोला ऐसे नहीं होगा है ना। तो भाई कनक कनक का मतलब क्या करा जा रहा है? तुलना की जा रही है, ठीक है ना। हाँ तो नहीं बच्चे एक, हाँ नहीं ना, एक कनक का मतलब सोना और एक का मतलब धतूरा, ठीक है ना। सब कुछ ऐसा नहीं है, परेशान मत होइए, सब कुछ पता है, ठीक है। तो सोना, अगर एक सोना वो होता है जिसके मिल जाने से लोग बोरा जाते हैं, ठीक है ना। और एक धतूरा भी ऐसा होता है, कनक के दोनों कनक का मतलब क्या है? एक कनक मतलब सोना और एक कनक मतलब धतूरा। एक मिल जाए तो बोरा जाते हैं लोग, और एक को अगर खा ले तो बोरा जाते हैं लोग, ठीक है ना। तो अगर ज्यादा सोना मिल जाए उससे भी बोरा जाते हैं लोग। हाँ तो सिर्फ समझो, अब यहाँ छोड़ो जो भी है ना, कुल मिला जुला कर तिवारी ज्यादा सोना तो नहीं खरीद लियो, ठीक है। अब यहाँ ध्यान लगाओ, ज्यादा सोना खरीद के बोरा जाते हैं लोग। अब बताओ क्या करना है? कीटोन बनेगा ना, बहुत अच्छे। कौन सा, क्या नाम होगा इसका? सी डबल बॉन्ड हो, प्रोपेन नॉन, प्रोपेन टू ऑन लिखोगे तो बात और बेहतर है, नहीं तो प्रोपेन ऑन लिख दो तभी चलेगा। कॉमन नेम बताओ, सगुन कॉमन नेम बताओ जल्दी से इसका। बिना रिवाइज के चले आते हैं, बिना रिवाइज के चले आते हैं, क्या कहूं इन बच्चों को, है ना। कल बड़ा जोर दे के समझाया भाई, एसीटोन, प्रोपेनॉन को ही क्या कहते हैं? एसीटोन। उस समय याद भी दिलवाया कि भाई एसीटोन रिएजेंट के तौर पर यूज होता है, कौन सी रिएक्शन में? फिंकलस्टीन रिएक्शन में। पर तुम क्या पढ़ोगे? कुछ नहीं है सर, बस हम जो भी यहां पढ़ते हैं बस वही पढ़ते हैं, उसके अलावा तो हमारी जिंदगी में पढ़ाई नामी वो चीज होती ही नहीं है, ठीक है ना। अजीब हो तुम लोग, मैं तो खैर देख देख के तुम लोगों को परेशान रहने लगा हूं, ठीक है ना। खैर, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2CO2 से ना लो। अभी ये यहाँ ये क्या लिखा है? मैं अगर यहाँ कुछ भी ना लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं उससे, मतलब क्या है बताना क्या कह रहा हूँ? नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही आया होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बगैर नेसेंट ऑक्सीजन नहीं आ सकता, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी नेचुरली नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं पाया जाता, हमेशा मॉलिकुलर फॉर्म में पाया जाता है, मतलब O2 की फॉर्म में पाया जाता है, समझे ना। अब ये किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने ही प्रोवाइड किया होगा। हालांकि अगर आप बिल्कुल चाहते हैं कि आप यहीं पर रुक जाए रिएक्शन, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, अदरवाइज अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले रहे हैं तो भी उसको कंट्रोल कर लेंगे, तो आराम से वहां पर रुक जाएगी रिएक्शन, समझ में आई बात ना। तो क्या बनेगा? कीटोन। अभी बनाओ एक और बताओ, है ना, CH3CHOH CH2CH3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोलिए क्या बनेगा? सपना बताइए, बताओ सपना क्या बनेगा इससे? पहले इसका नाम ही बताओ, इसी का नाम बताओ पहले। हाँ, ब्यूटेन टू ऑल, इससे क्या बनेगा? ब्यूटेन टू ऑल, इससे बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, जहां पर OH होता है बस वहां से हटेगा और वहां डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O, CH2CH3। अब नाम बताओ इसका क्या होगा बच्चे, बताओ। आर्यन तुम बता दो इसका नाम, ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ऑन, पूरा बोलना पड़ेगा, ब्यूटेन टू ऑन। कहां से काउंटिंग होगी? यहां से 1 2 3 4, ब्यूटेन टू ऑन। अभी कितनी आराम से बता रहा हूं यार, इतना धीमे तो नहीं चलेंगे हम लोग, ये तो पढ़ी पढ़ाई रिएक्शंस है, उसको भी आप ऐसे देख रहे हो जैसे लग रहा है एकदम बिल्कुल सब कुछ नया बताया जा रहा हो, समझ गए ना। कोई और होता मेरी जगह नहीं बताता, बस बोलता है ये तो पढ़ा हुआ है, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन, और ये हमारा पढ़ा हुआ है इसलिए चलो आगे बढ़ो, बस ये होता। तो लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, अगर RCHO को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे तो, बोलो ना बच्चों, RCHO को अगर फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे यानी कि एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने ये सारे रिएजेंट लिखवाए हुए होंगे, PCC भी लिखवाया, कॉलिंस रिएजेंट भी लिखवाया, सेरेट रिएजेंट भी लिखवाया, सेरेट रिएजेंट भी लिखवाया क्या? नहीं, ठीक है। तो एक और लिख लीजिए, सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। जॉन्स रिएजेंट भी लिखवाया क्या? जॉन्स रिएजेंट नहीं, बहुत अच्छे। तो तीन रिएजेंट और बढ़ाओ अपने उसी नॉलेज में जहां तक आपने पहले पढ़ा था, ठीक है ना। देखो कौन कौन से आप जानते हैं, आप एक जानते हैं कोलिंस रिएजेंट, याद है, और एक जानते हैं कोरेज रिएजेंट, कोरेज रिएजेंट को ही शायद PCC कहते हैं, ऐसा ही है ना, कोरेज रिएजेंट को ही PCC, PCC की फुल फॉर्म
तुम बताओ क्यों नहीं पता, हर रोज यही करते हो है ना केमिस्ट्री में, ये नहीं पता वो नहीं पता है ना। पीसीसी की फुल फॉर्म पिरिडिनियम क्लोरो क्रोमेट, पिरिडिनियम क्लोरो क्रोमेट, और पीडीसी की फुल फॉर्म पिरिडिनियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना, पीडीसी पिरिडिनियम डाइक्रोमेट, क्लियर है। तो अब देखो मैंने आपको बताया अगर आप K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ले लेंगे तो अगर कंट्रोल नहीं किया, अगर कंट्रोल नहीं किया बताओ, अगर हम K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ले लेंगे और कंट्रोल नहीं किया तो फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर कंट्रोल वंट्रोल भी ना करना पड़े, प्यार से क्या बन जाए एल्डिहाइड, तो प्यार से एल्डिहाइड बनानी हो तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने होंगे। उन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से मैंने आपको कई के नाम बता रखे हैं, पहला तो हो गया आपका, इनके मैं लिखवाऊंगा नहीं, अब कॉलिंस रिएजेंट, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इसका फॉर्मूला बता पाएंगे। बोलो कोई बताएगा कॉलिंस रिएजेंट का फॉर्मूला, वेरी गुड, CrO3.2C5H5N, ऐसे ही था क्या, बहुत अच्छे, CrO3.C2 2 times of C5H5N, क्लियर है, बहुत अच्छे। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, कोरेज रिएजेंट, कोरेज रिएजेंट, हाँ बोलो, C5 तो लिखा, C5 था कि C2 था, C5 था, C5H5N, सही है वो, ठीक है ना। कोरेज रिएजेंट का फॉर्मूला CrO3.C5N.HCl, वेरी गुड, ठीक है ना। क्या इसी का नाम पीसीसी था, बहुत बढ़िया, पीसीसी पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तीसरा लिखिए, अब ये नया है आपके लिए, ठीक है ना, छोड़ो वो पीडीसी से आपने हमने देख लिया, पीडीसी भी आप जानते ही हैं, पता है ना फॉर्मूला उसका कि नहीं, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, चलो लिख देता हूँ पीडीसी, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला भी लिख लो, इसका फॉर्मूला होता है C5H5NH, C5H5NH का होल ट्वाइस, हाँ वेरी गुड, Cr2O7, Cr2O7, बहुत बढ़िया, पिरिडिनियम डाइक्रोमेट। चलो जी चौथा, मैंने कहा था ना देखो आगे भी आएंगे ये सब, फिर एक और, एक दो और बढ़ गए, जॉन्स रिएजेंट, ठीक है ना, JONE वाला जॉन, अब ये जॉनस पढ़ेंगे इसको, जॉन्स पढ़ेंगे वो तो आप समझिए, ठीक है ना, समझिए ना, अब कोई निक जॉन्स कहता है, कोई निक जॉनस कहता है, ठीक है ना, आप समझ में नहीं आता वो सही है क्या, ठीक है ना, पता है ना निक जॉन्स, कुछ निक जॉनस भी बोलते हैं, ठीक है ना, पता नहीं निक जॉनस है कि निक जॉन्स है क्या है, ठीक है ना। खैर जॉन्स रिएजेंट, ठीक है ना, क्या होगा इसका फॉर्मूला, हाँ सब सब माइल्ड है, ठीक है ना, लिखिए इसमें लिख लो, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ CrO3 इन H2SO4 इन एक्वस एसीटोन, CR सॉल्यूशन ऑफ, देखिएगा इसके बारे में लिखिएगा क्या होता है ये, सॉल्यूशन ऑफ CrO3, सॉल्यूशन ऑफ CrO3 इन H2SO4 इन एक्वस एसीटोन, इन H2SO4 इन एक्वस एसीटोन, एक्वस एसीटोन, बहुत ध्यान सुनिएगा, मतलब कुल मिला जुलाकर CrO3 प्लस H2SO4 प्लस क्या CH3CO CH3, वो भी किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, जॉन्स रिएजेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट एक होता है सेरेट रिएजेंट, ये तो मैंने अच्छा ठीक है, कुछ नहीं है बस छोड़ो, इतने बहुत हैं, चक्कर ना पड़ो, ज़्यादा चक्कर ना पड़ना, ठीक है ना, आगे बढ़िए। तो अल्कोहल से एक तरीका तो हो गया, फिर से बता रहा हूं वापस, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का एक तरीका तो मैंने आपको बताया दिया अब तक, अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड बनाना हो तो क्या कहेंगे आप, आपका जवाब क्या होगा, सर अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करके आराम से उसको ऑक्सीडाइज करेंगे और वो करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए, सेकेंडरी अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है, अभी कोई डाउट तो नहीं इसमें, बहुत अच्छे। इसी से अल्कोहल से एक और तरीका भी होता है, लिखिए ये फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से एक तरीका तो हो गया ये ए वाला तो हो गया क्या, बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, किसके साथ ऑक्सीडेशन, है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक दूसरा मेथड भी होगा अल्कोहल से ही, एक और भी है, तो हम इसको एक ही मेथड में लेंगे लेकिन एक मेथड के दो मेथड हो गए, अल्कोहल से ही एक और तरीका भी है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का, ठीक है,
बी, क्या लिखेंगे, बाई कैटेलिटिक, बाई कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, बाई कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। क्या मुझे नैन्सी बता सकती है डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? रिमल ऑफ, बेटा इतनी करूंगा ना तुम्हारी, है ना, रिमल ऑफ वाटर कुछ भी बोलते हैं कधे, पता नहीं क्या बोलते हैं कधे, कैसे डॉक्टर बनेंगे लोग से। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को डिहाइड्रोजिनेशन बताओगी बच्चों को वहां पे, पेशेंट को कि बॉडी डिहाइड्रेट कर गई, ये कहोगी या कहोगी डिहाइड्रोजिनेट कर गई, डिहाइड्रोजिनेट कर गई या डिहाइड्रेट कर गई, क्या बोलोगी? तो फिर पेशेंट को यही बोलना होगा ना, या डिहाइड्रोजिनेट, तो समझ वाला टेंशन में आ जाएगा, ये अनपढ़ डॉक्टर है यार, कहाँ चले हैं हम लोग, है ना, ऐसा ना करो, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर मतलब डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर मतलब डिहाइड्रेशन, मैंने बोला डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, समझ गया ना, ध्यान देना था उस बात पे, ठीक है, बहुत अच्छे। बाई कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हमें एल्कोहल से हाइड्रोजन को रिमूव करा लेना है। बताइए अगर मैं एल्कोहल से हाइड्रोजन रिमूव करा लूं, किस प्रकार से, एक हाइड्रोजन OH वाला हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन C वाला हाइड्रोजन, अगर ये दो हट जाएं तो C और O के बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, नहीं समझे, बहुत अच्छे, R CH2 OH, व्हाट इज दिस, एल्कोहल। अगर मैं इस एल्कोहल का कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन कराऊं, सर कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस के नहीं हो पाता, डिहाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजनेशन नहीं है। अच्छा एक होता कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, वो क्या होता है निशा, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? एसिड बेस की प्रेजेंस में होता है। तुम लोग सब बड़े महान हो भाई, कसम से मानना पड़ेगा तुम लोगों को, केमिस्ट्री के नाम पे आप लोग ना सब रो रहे हैं बैठ करके और कुछ नहीं कर रहे हैं इससे ज्यादा, ठीक है, रोते रहिए। कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन कौन बताएगा, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, हाँ बोलो, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, हाँ, निकल प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन, निकल या प्लेटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजिनेशन, समझ गए ना, हाइड्रोजिनेशन। और किसी कैटलिस्ट की, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का रिमूवल, डिहाइड्रोजिनेशन। तो हम यहां पर कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे, मतलब ये वाला H और ये वाला H, अब अगर इस C से एक एच ओ से हट गया और एक एच सी से हट गया, तो इस C और O के बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, सर ये बन जाएगा आर सी एच डबल बॉन्ड ओ प्लस साथ में एच टू, एच टू मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, कॉपर की प्रेजेंस में। इसमें वो कैटलिस्ट है कौन, निकिल या प्लेटिनम, गलती से मत लिख देना, निकिल प्लेटिनम तो हाइड्रोजन को ऐड कराने के लिए यूज किया जाता है, समझ गए ना, और रिमूव कराने के लिए कॉपर यूज किया जाता है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बहुत अच्छे। तो कॉपर की ब्रांच में 573 केल्विन पर ये रिएक्शन होती है और हाइड्रोजन इससे रिमूव हो जाता है, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, बोलो बच्चे ये क्या है, ये क्या है, सर ये है 1 डिग्री एल्कोहल और सर यह है 2 डिग्री एल्कोहल। अब इस 2 डिग्री एल्कोहल का फिर से कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन कराया, मतलब CU की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर इसको मैंने गर्म कर दिया, तो इसका इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन, ये दोनों हटने के बाद बगल वाला कुछ नहीं, बस इसी कार्बन पे OH भी था, हालांकि O वाला H और C वाला H दोनों हट जाएंगे, C और O के बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, सर ये कुछ ऐसा बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O प्लस साथ में क्या बनेगा H2, बोलो क्लियर होगी नहीं, पक्का, बहुत अच्छे, लिखो एग्जांपल, लिखो CH3CH2OH की रिएक्शन कराइए कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर पर, और एक बार CH3CHOH CH3 की रिएक्शन कराइए कॉपर के साथ कितने टेम्परेचर पर, 573 केल्विन टेम्परेचर पर, बोलिए क्या बनेगा बच्चों, पहले वाले से बनेगा CH3CHO प्लस H2, दूसरे वाले से बनेगा CH3COCH3 प्लस H2, बोलो गुड आउट हो तो, समझ गए स्वामी, आप पहले वाले का नाम, ये जो बना इसका नाम इथेनल, इथेनल, ठीक है, कितने कार्बन का है, दो,
कल बड़े प्यार से समझाइए भाई, यूपीएससी ने क्या कर रहे हो बच्चे, एक दो दो कार्बन है, कहां से काउंटिंग होगी यहां से, तो 1 2 2 मतलब इथेन अल, इथेन अल, समझ गए ना। कॉमन नेम कौन बताएगा, कॉमन इधर गर्ल्स में, रुक जाओ उनको बता दो, गर्ल्स में से कॉमन नेम कौन बताएगा, अरे रुक तो जाओ, गर्ल्स में से पूछ रहा हूँ यार क्या कर रहे हो, बोलो। हाँ बोलो, एसिटल्डिहाइड, HCHO का फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO का एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना, कॉमन नेम, क्लियर है, बहुत अच्छे। HCOOH का फॉर्मिक एसिड, CH3COOH का एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, समझ गया ना, बहुत अच्छे। ये इसका यूपीएससी नेम जो नीचे बना, इसका यूपीएससी नेम प्रोपेन टू ऑन, कॉमन नेम एसीटोन, कॉमन नेम एसीटोन, बोलो को डाउट हो तो बढ़े आगे, बहुत अच्छे। चलो एक तरीका खत्म हुआ, ठीक है ना, मतलब एल्कोहल से, फिर समराइज कर रहा हूँ बार बार रिपीट कर करके समझा रहा हूँ चीजें, ठीक है ना, मतलब हम एल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो पहला सवाल जो मेरा है उसके जवाब का क्या जवाब होगा, यस सर कर सकते हैं। फिर मैं पूछूंगा कैसे कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे सर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देने से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन या माइल्ड ऑक्सीडेशन, तो आप जवाब देंगे सर माइल्ड ऑक्सीडेशन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से क्या हो जाएगा, सर कार्बोक्सिलिक एसिड तक चला जाएगा, क्लियर है। फिर मैं बोलूंगा कीटोन बनाना हो तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देंगे, क्लियर है, तो आपका आराम से क्या बन जाएगा कीटोन, हमेशा ही ऐसा ही होगा, सेकेंडरी से हमेशा बनेगा कीटोन और प्राइमरी से हमेशा बनेगा एल्डिहाइड, क्लियर, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और करस्पॉन्डिंग कीटोन। फिर सवाल करा, हाँ ऑक्सीडाइजिंग तभी वो वहीं तक चल जाएगा, लेकिन उसमें CO2+H2O कुछ ऐसा बनता है, ठीक है ना, बताया था ना उस समय भी, हालांकि कीटोन ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड उस तरह नहीं बनाता जिस तरह एल्डिहाइड बना देता है, ठीक है ना, ये सब बता चुका हूँ, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर में सारी कहानी बता चुका हूँ, इस पर तो मुझे जरा सी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए थी, बस बता के छोड़ देना चाहिए था। हाँ ये वाला जो तरीका है ये दूसरा तरीका है, ये वहां नहीं था, एल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से भी क्या बनाया जा सकता है एल्डिहाइड। सर एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कैसे कराएंगे, सर कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर उसको रिएक्ट करा देंगे, गर्म कर देंगे, गर्म करने से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा और जो बनेगा वो करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और करस्पॉन्डिंग कीटोन बनेगा, बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बढ़ जाए आगे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए दूसरा तरीका, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्डिहाइड बना सकते हैं, आज की क्लास में पता चला कि सारी क्लास करा दी और पुरानी क्लास को रिवाइज करा रहा हूं, ये मानिए पुरानी क्लास रिवाइज हो रही है, क्या हमने इससे पहले नहीं पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से, वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से याद आ रहा है, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के रिडक्शन से फिर से एल्कोहल बन जाता है, बोलो बात समझ में आ रही है नहीं, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे। तो हमने क्या बोला, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम बना सकते हैं, ये दूसरा मेथड हुआ, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो जी कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाएंगे, क्या करेंगे, अब इसमें भी दो रास्ते हैं, या तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करा देंगे रिडक्शन करा देंगे, या फिर हम लोग क्या भी कर सकते हैं, एक बड़ा काम का है, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, बाय इसमें भी बड़ा ध्यान दीजिएगा, बाय ड्राई डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से क्या हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो जाता है, ठीक है ना, डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, अब मुझे कोई भी बता इधर बॉयज में से कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स का क्या मतलब हुआ, आर सी ओ ओ सी ए, कैसी बातें कर रहे हो यार, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स है ना, फैटी एसिड किसका ट्वाइस होगा बोलो, आर सी ओ ओ का होल ट्वाइस सी ए, आर सी ओ ओ का होल ट्वाइस सी ए, ये होता है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, समझ रहे ना, बोलो कैसे बनेगा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड कैसे बनेगा, पहले सर आर सी ओ ओ एच की रिएक्शन सी ए ओ एच के होल ट्वाइस के साथ कराएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस के साथ कराएंगे, तो सर एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर, वहां से बन जाएगा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, उस कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन कर देंगे, तो उसके ड्राई डिस्टिलेशन कर देने से सर हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता दिख जाएगा, ठीक है ना, चलिए देखिए कैसे,
लेकिन सर अब की बार एक खास बात होगी, करस्पॉन्डिंग नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात ना, करस्पॉन्डिंग नहीं बनेगा। अगर तुम में से कोई मुझे बता दे HCOO का होल ट्वाइस CO CA, पहले तो इसका कोई मुझे नाम बता दे, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। HCOO का होल ट्वाइस CA, सबना बताओ जल्दी। HCOO का होल ट्वाइस CA, इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम मिथेनोएट, कैल्शियम मिथेनोएट या फिर कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। HCOO माइनस आयन जो होता है फॉर्मेट आयन होता है, जैसे एसीटेट आयन होता है। नहीं पढ़ा सोडियम एसीटेट का बता सकते हो? दो होने से क्या फर्क पड़ा, दो होने से क्या फर्क पड़ा बताओ? CaCl2 का नाम Cl2, तो उसमें भी तो दो हैं Cl, नहीं समझे? वो दो किस वजह से आते हैं? न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। कौन सी न्यूट्रलिटी? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब CA के ऊपर दो प्लस, Cl के ऊपर एक माइनस, इसलिए CaCl2 लेना पड़ता है। HCOO के ऊपर एक माइनस, कैल्शियम के ऊपर दो प्लस, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए दो HCOO माइनस लेने पड़ेंगे, लेकिन नाम क्या ही रहेगा? कैल्शियम फॉर्मेट। समझ में आ रही बात ना? SO4 के ऊपर माइनस माइनस होता है, Na2SO4, दो Na होते हैं लेकिन बोलते क्या है? सोडियम सल्फेट, डाई सोडियम सल्फेट तो नहीं बोलते, Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट। समस्या पता क्या है बार, आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ये कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी दिमाग में बैठ गया है लेकर के, आप उन्हें दिमाग में लेके बैठ गए हैं कि केमिस्ट्री मतलब हवा, केमिस्ट्री मतलब भूत, केमिस्ट्री मतलब डर। समझिए ना, ये अगर आप हवा को हलवा बना दो ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। केमिस्ट्री से ज़्यादा हलवा कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाएं, बहुत कम बार बार बहुत कम मेहनत से बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बस तुम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हो, क्योंकि इसमें कभी भी कुछ भी बदलता नहीं है। सोडियम सल्फेट आज तक कभी नहीं बदला, वही है जब से शुरू हुआ तब से लेके आज तक वही है Na2SO4। उसमें कोई अपनी मर्जी लगा के ना है कि सर थोड़ा सा इफ एंड बट कर दें, भाई एडवांसमेंट आ रहा है तो मशीन एडवांस हो गई। एक ज़माने में मोबाइल किसी और तरीके के हुआ करते थे, आप मोबाइल किसी और तरीके के हैं, समझ लो ना बात को, तो एडवांसमेंट नहीं आती इसमें, समझे ना? Na2SO4 मतलब Na2SO4, क्लियर? बात खत्म, सोडियम सल्फेट क्लियर है ना? तो ये बहुत ऐसा सब्जेक्ट है, एक बार आपने तैयार कर लिया दिक्कत नहीं आएगी आपको, थोड़ा सा बस बार बार क्या करना है उसको याद करना है, रिकॉल करना है, बार बार मेमोराइज करना है, क्योंकि दिमाग में चिपकता नहीं है बहुत ज़्यादा कि मैम बहुत देर तक इसको रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, ठीक है ना? तो बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक? क्या नाम हो इसका? कैल्शियम फॉर्मेट। बोलो कौन बताएगा ये कैल्शियम फॉर्मेट कैसे बना होगा? कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन कैसे होगा पहले ये बताओ। वेरी गुड, फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर, फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? प्लस साथ में वाटर निकलेगा। ये जो हमारा कैल्शियम फॉर्मेट बना इसी का मैं क्या करा दूंगा? ड्राई डिस्टिलेशन। बार बार बता रहा हूँ, पहली बात आप ध्यान सुनिएगा और बता देता हूँ अच्छे से। HCOOH प्लस CaOH का होल ट्वाइस, इससे बनेगा क्या? HCOO का होल ट्वाइस CA प्लस H2O, इसका नाम होता है कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। अब सर इस कैल्शियम फॉर्मेट को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ? HCOO HCOO CA। बोलो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत अच्छे। अगर ऐसा कर दिया तो सर ये CaCO2 ये और एक ओ ये, तो ये सर ये देखेगा ड्राई डिस्टिलेशन से, इसका ड्राई डिस्टिलेशन कर देने से क्या हो जाएगा सर? इसका ड्राई डिस्टिलेशन कर देने से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा? कैल्शियम कार्बन, एक कैल्शियम, एक कार्बन और तीन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। CaCO3 रिमूव हो गया, बोलो क्या बचा? क्या बचा सर? CH2O बचा। CH2O का मतलब ही HCHO होता है। क्या होता है? HCHO। तो इसका मतलब क्या बना? HCHO प्लस CaCO3। नहीं समझे? क्या है इसका नाम? फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना? फॉर्मेल्डिहाइड। अरे भाई समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई डाउट आ रहा है? बबीता समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे। फॉर्मेल्डिहाइड क्या समझ में आया सर? अभी तक हम जो अल्कोहल का पढ़ रहे थे ना, अल्कोहल से करस्पॉन्डिंग बन रहा था। करस्पॉन्डिंग बोले तो जितने कार्बन का अल्कोहल बन रहा था उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा था, लेकिन सर अब ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? एक कम कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। कारण
क्योंकि भाई एक कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट में चला जाएगा, एक कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट में चला जाएगा, समझ गया ना। बहुत अच्छे, एक और बताइए इसका नाम बताओ, CH3COOCaOOCCH3, बोलिए इसका नाम कैल्शियम एसीटेट। क्या ये कैल्शियम एसीटेट, समझ वाली बात ना। जिंक एसीटेट की गोलियां बहुत चली हैं पिछले कुछ दिनों तक, पता ही नहीं आपको ये बात, वैसे ही है ये कैल्शियम एसीटेट। जिंक एसीटेट का फॉर्मूला बताओ, बस सी की जगह, समझ गया ना। सोडियम जिंकेट, जिंक एसीटेट, ये सब बड़ा काम का हो गया था कुछ दिन पहले तक, ठीक है ना, क्लियर ना, कोविड में काम आ रही थी, ठीक है ना। तो सोडियम ये क्या है यहाँ पर, कैल्शियम एसीटेट। अब कैल्शियम एसीटेट का क्या करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन कर देंगे सर, ड्राई डिस्टिलेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर आएगा तो क्या बचेगा सर, CH3COCH3 बचेगा। नहीं समझे, अरे बोलो ना भाई, अगर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का CH3COCH3, हाँ ठीक है, क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। अरे बन गया कि नहीं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और क्या बाहर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बोलो किसका फॉर्मेशन हो गया, प्रोपेनॉन का फॉर्मेशन हो गया सर, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, नहीं समझे। हो गया, बहुत अच्छे, एक और बात समझो, मिटा दो इसको यार, तुम लोग तो इसको ना मतलब ऐसे अंदाज में बैठे हो, बहुत ही बुरे से अंदाज में, मैं जितने मजे ले रहा हूँ उतने तुम लोग ना दूर दूर अजीब से अंदाज में बैठे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोगों को, फिर इतने डरे हुए इतने सहमे हुए क्यों बैठे हो इतने बढ़िया दिनों में भी, ठीक है ना, पता नहीं क्या। चलो ध्यान लगा दे, सबसे पहली बात अभी फिर मैंने कहा कैल्शियम एसीटेट से मैंने क्या बनाया, कीटोन, और कैल्शियम फॉर्मेट से क्या बनाया, एल्डिहाइड। क्या सर कैल्शियम एसीटेट से कीटोन नहीं बन सकता, एल्डिहाइड नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन तब हमें ज्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा क्या, कैल्शियम एसीटेट, CH3COOCaOOCCH3, ठीक है, प्लस ध्यान दीजिएगा CaCOOCH3COOCH3, नहीं समझे, ठीक है। अब इसके ड्राई डिस्टिलेशन से क्या बनेगा, इसको ड्राई डिस्टिलेशन कर दिया मैंने, ड्राई डिस्टिलेशन, तो भाई इसके ड्राई डिस्टिलेशन से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। बोलो कैसे बनेगा एल्डिहाइड, बोलो ना भाई, क्या होगा, इधर से देखिएगा, इधर से COO, ठीक है ना, और इधर से भी एक CO, क्या ले लेंगे, सिर्फ एक लेंगे CAO, नहीं समझे, देखिएगा। अरे यार क्या चाहिए, क्या होगा, बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है ना, CA, बोलो ये क्या बना, CACOO, और ये क्या बना, CACO, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कैल्शियम कितने हैं, ध्यान से देखो कैल्शियम कितने हैं, कार्बन कितने हैं टोटल, चार, एक कैल्शियम को कितना कार्बन चाहिए होता है, एक कैल्शियम को एक कार्बन चाहिए होता है, ठीक है ना, तो इससे नहीं बनेगा, ठीक है, कैल्शियम एसिटेट से फिर क्या ही बनेगा, सीधे फिर से कीटोन ही बनेगा, नहीं समझे, और वैसे भी नहीं, हाँ नहीं, अगर ये मैंने ले लिया क्या यहां HCOOH, अच्छा इसका बताओ क्या ना मतलब हुआ, एक हुआ एक बार को देखो, सबसे पहली बात अगर मैंने लिया कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट का मतलब CH3COOCA, फिर यहां पर ये OOC, ये यहां CH3, फिर प्लस CA, देखिएगा O, ठीक है ना, O OHC, OCH, OCH, ठीक है ना, और फिर यहां पर O OCH, बताओ इसका नाम बताओ पहले, ये क्या हो गया HCOO
HCOO, मतलब HCOO का होल ट्वाइस, CA मतलब कैल्शियम फॉर्मेट। एक तरफ लिया मैंने क्या कैल्शियम एसिटेट और एक तरफ लिया क्या कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है ना। अब क्या बन जाएगा बताओ, तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा CaCO2 और 1O, CaCO2 1O, CaCO3, फिर CaCO2 और 1O, कितने कैल्शियम कार्बोनेट, दो कैल्शियम कार्बोनेट, और बनेगा क्या यहां से क्या बनेगा CH3CHO, मतलब दो मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे CH3CHO, दो मॉलिक्यूल बनेंगे CH3CHO के, और प्लस साथ में बनेगा क्या 2CaCO3। वेरी गुड, समझ में आ गई बात, चलिए नोट करिए। ये है हाँ, एक कम कार्बन का बनेगा हमेशा, हाँ अगर वैसे अगर एल्डिहाइड बनाना है ना। हो गया, नेक्स्ट देखो, हाँ बच्चे हाँ बताओ क्या कह रहे हो, हाँ किरण एक कम बन रहा है, ये तो रहा भाई एक कार्बन तो कैल्शियम कार्बन में जाना ही जाना है पक्का, ठीक है ना, उससे तो एक कम बनेगा ही बनेगा, ठीक है बढ़े। नेक्स्ट देखो एक और है ना, इसी का दूसरा मेथड, कार्बोक्सिलिक एसिड से एक मेथड तो हुआ ये ड्राई डिस्टिलेशन, और कार्बोक्सिलिक एसिड से एक मेथड क्या लेंगे सीधे वाले को बता ही नहीं रहा है, जो हमने पढ़ा है सिंपल मिटा दे इसको, ठीक है। अब देखो सेकंड मेथड है, लिखिए बाईपासिंग, बाईपासिंग ठीक है, बाईपासिंग वेपर ऑफ बी, इसी का बी, बाईपासिंग वेपर ऑफ, वेपर ऑफ फैटी एसिड्स, बाईपासिंग वेपर ऑफ फैटी एसिड्स ओवर मैग्नस ऑक्साइड, फैटी एसिड्स ओवर मैग्नस, MAGNOUS, मैग्नस ऑक्साइड, ठीक है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा मैग्नस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंगनस ऑक्साइड है ना, मैंगनस ऑक्साइड, मैंगनस की स्पेलिंग होती है MANGANOUS, ठीक है ना, NOUS, मैंगनस ऑक्साइड, ठीक है। अगर हम लोग फैटी एसिड्स का को की वेपर को पास करा देते हैं किसके ऊपर से, मैंगनस ऑक्साइड के ऊपर से, तो क्या फॉर्म हो जाता है बोलो, एल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें भी, लेकिन एक कम कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, जैसे ध्यान सुनिएगा HCOOH, कोई आप में से मुझे नाम बताएगा, बोलो ना यार तुम लोग तो सो रहे हो, HCOH का नाम फॉर्मिक एसिड बोलो या तो फिर मिथेनॉल एसिड, कुछ तो बोलो फॉर्मिक एसिड, फिर HCOOH इसका नाम फॉर्मिक एसिड या मिथेनॉल, दोनों एक ही बात है, दो मॉलिक्यूल लिए गए हैं, दो मॉलिक्यूल लेकर इसको पास करा देंगे किसके ऊपर से, मैंगनेस ऑक्साइड, मैंगनेस ऑक्साइड का फॉर्मूला MnO है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO, यह मैंगनेस ऑक्साइड, मैंगनेस मतलब मैंगनीज वाला मैंगनेस, ठीक है, तो MnO इसको हम पास करा देंगे, और कितना टेम्परेचर रखेंगे लगभग 573 केल्विन, मतलब कहने का यही हुआ क्योंकि इसकी वेपर को हमें पास कराना है इसके ऊपर से, MnO के ऊपर से, ऐसा करने पर क्या हो जाता है, ऐसा करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिमूवल हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिमूवल होगा कैसे, एक मॉलिक्यूल से OH और दूसरे मॉलिक्यूल से HCOO, ध्यान दीजिएगा एक मॉलिक्यूल से OH और दूसरे मॉलिक्यूल से HCOO निकलेगा, ऐसा होने पर क्या बन जाएगा ये H2CO3, H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड लेकिन हाई टेम्परेचर है तो कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में नहीं रह जाएगा, किसमें ब्रेक हो जाएगा H2O + CO2 में, बोलो बना क्या,
मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलेंगे सर एच सी एच ओ बनेगा, एच सी एच ओ, एच सी ओ एच मतलब एच सी एच ओ, और जो सर साइड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा सर, सीओ टू बनेगा प्लस एच टू ओ बनेगा। नहीं समझे, पक्का? बहुत अच्छे, एक और बताओ, सी एस टी सी ओ ओ एच प्लस एच ओ ओ सी सी एस टी, एच ओ ओ सी सी एस टी, ये क्या है बोलोगे, इथेनोइक एसिड, ये क्या है इथेनोइक एसिड, एक से ओ एच और दूसरे से सी ओ ओ एच, एक से ओ एच और दूसरे से सी ओ ओ एच, क्या बन जाएगा एच टू सी ओ थ्री मतलब एच टू ओ सी ओ टू, सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एन ओ 573 केल्विन। इसीलिए मैंने बोला था ये वो तरीके करा रहा हूँ जिनसे दोनों फॉर्म हो जाते हैं। अभी जो तरीके चल रहे हैं वो क्या है, वो ऐसे तरीके हैं जिनसे एल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन हो रहा है और कीटोन का भी फॉर्मेशन हो रहा है, समझ गए ना। तो क्या बनेगा, सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री प्लस एच टू ओ प्लस सी ओ टू। अरे भाई पकड़ पा रहे हो कि नहीं बातें, फलक नहीं, बात समझ में आ रही क्या, कुछ बोल ही नहीं हो तुम, हो गया। और बताओ, सी एस टी सी ओ ओ एच प्लस एच सी ओ ओ एच, इसकी रिएक्शन कराओ एम एन ओ के साथ, बोलो नैन्सी क्या बनेगा। अब सर देखो, अभी तक क्या था, पहले आप लिए सर दोनों फॉर्मिक एसिड, बाद में आप लिए दोनों एसिटिक एसिड, जब दोनों एक जैसे मॉलिक्यूल थे तो समस्या कुछ नहीं थी, एक से ओ एच और दूसरे से सी ओ ओ एच, सी ओ ओ एच, क्लियर, समझ पा रहे हो। लेकिन सर एक तरफ आपने लिया एसिटिक एसिड, एक तरफ ले लिया आपने फॉर्मिक एसिड, अगर ऐसा हो तो बड़े वाले से ज्यादा कार्बन वाले से ओ एच और कम कार्बन वाले से सी ओ एच, समझे ना, ज्यादा कार्बन वाले से ओ एच, कम कार्बन वाले से सी ओ ओ एच, तो सी ओ ओ एच ही निकल गया, बोलो क्या बन गया, एच 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 टू सी ओ थ्री, एच टू सी ओ थ्री मतलब एच टू ओ प्लस सी ओ टू, क्या बनेगा बोलो, सी एस थ्री सी एच ओ प्लस एच टू ओ प्लस सी ओ टू, समझ में आई बात, कीटोन बना या एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, क्या बना, एल्डिहाइड, बोलो कोई डाउट हो तो, समझ में आ गया, बहुत अच्छे, बार बार कह रहा हूँ ध्यान लगा के पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आता चल जाएगा, बहुत ज्यादा बहुत मन लगा के बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन चूंकि आप पता नहीं दिमाग नहीं लगा रहे हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू सी ओ ओ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, सी ओ ओ एच प्लस सी एस थ्री सी ओ ओ एच की रिएक्शन एम एन ओ से करा दो तो मैं समझ जाऊंगा तुमने मेरी बात समझी है, एम एन ओ के साथ, चलिए बताइए क्या बनेगा, आज तो तुम बता दो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन, कीटोन बनेगा, किस केस में कीटोन बनेगा सर, जिस केस में यहां क्या रहेगा, आर रहेगा, आर दोनों तरफ अगर आर रहा तो सर पक्का फिर कीटोन बनना है, मजबूरी है। लेकिन अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो फिर एक एल्कोहल, एक एसिड आपको कैसे लेना होगा, फॉर्मिक एसिड लेना होगा, वेरी गुड, एक फॉर्मिक एसिड, एक कोई भी एसिड, तो उससे हमेशा कैसा बनेगा, एल्डिहाइड, दोनों फॉर्मिक एसिड से भी क्या बनेगा, एल्डिहाइड। लेकिन सर अगर आपने दोनों कार्बन मतलब दोनों फॉर्मिक से ऊपर ले लिया, यानी दोनों आपने दो कार्बन के एसिड लिए, तीन कार्बन के, चार कार्बन के, तो फिर हमेशा कीटोन बनेगा, समझ में आई बात। अभी बताओ क्या बनेगा, कीटोन बनेगा ना, बंद कर लो, बंद कर दो भाई पंखा ना, अभी बताओ क्या हो जाएगा, अब तो बता दो, बताओ भाई क्या बनेगा बच्चे, ब्यूटे, अरे भाई मैंने क्या कहा, बड़े कार्बन से, बड़े कार्बन से ओ एच, बड़े कार्बन से ओ एच, जान बूझ के मैंने आपके बार ऐसे लिखा उधर, अभी तक मैं क्या लिख रहा था, मैं चाहता तो इसको भी ऐसे लिख सकता था, एच ओ ओ सी सी एस सी, तो बड़े कार्बन से ओ एच और सॉरी छोटी वाली चेन से सी ओ ओ एच, ये गायब हो जाएगा, हो गया, क्या बना बताओ, एच सी ओ ओ और एच मिला के एच टू सी ओ थ्री मतलब एच टू ओ प्लस सी ओ टू, अब जो बचा वो क्या बना, सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी ओ सी एस थ्री, उसमें नहीं बात समझ में आ रही क्या, नहीं समझ पा रहे हो क्या यार, क्या है तुम लोग कहीं खोए हुए हो, एच टू ओ प्लस CO2. अभी समझ गए कि नहीं, अरे अब तो समझ में आ गया होगा, इतने एग्जांपल दे दिए और क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है, अविनाश बात समझ में आ गया क्या, ठीक, एक कार्बन से एक एक मॉलिक्यूल से OH और दूसरे मॉलिक्यूल से
COOH लेकर H2O plus CO2 को बाहर कर देंगे, जो बचेगा वो बना देंगे बस, चाहे वो एल्डिहाइड बने चाहे कीटोन बने, चिंता खत्म। छोटे वाले से अगर कम कार्बन वाले से COOH और मोर कार्बन वाले से OH लेकर के हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर है? जितना ज्यादा कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है उतना ही ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता जाता है, और जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता जाता है उतना ही सी और OH के बीच के बॉन्ड के टूटने के चांस बढ़ते जाते हैं। इसीलिए ज्यादा कार्बन वाले से क्या जोड़ेंगे, OH हटाएंगे, और कम वाले से क्या हटाएंगे। समझ में आ रही बात? अभी को डाउट है? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स दो मेथड हो गए, बता दो इसको। एल्कोहल से बनाना सीख लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना सीख लिया, अब हम किससे बनाना सीखेंगे, किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो भाई अब अभी तक हमने दो चीजों से बनाना सीखा है, एल्कोहल से कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, किससे, हाइड्रोकार्बन्स। किसको कहते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो कौन कौन होते हैं, सर्व होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। समझ गए ना, बहुत अच्छे। तो हम लोग हाइड्रोकार्बन से भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, याद आ रहा है, कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। कैसे करेंगे सर, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन्स, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन्स, करिए, सुनो भाई, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रेशन से, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, वेरी गुड, एडिशन ऑफ वाटर, चलिए एडिशन ऑफ वाटर कराएंगे। तो भाई किससे कराएंगे, हाइड्रोकार्बन में भी किससे बनेगा ये, फ्रॉम एल्काइन्स, किससे बनाएंगे, एल्काइन से। कैसे बनेगा ये देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बोलो क्या नाम होता है इसका, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन। इथाइन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, H2O के साथ कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे सर, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 प्लस HgSO4, ठीक है ना, डाइल्यूट HgSO4, H2SO4 प्लस HgSO4, ये रिएक्शन कराने से क्या होगा, हाइड्रेशन हो जाएगा, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, कहां होगा सर वाटर का एडिशन, सर ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेगा और उसके साथ एक कार्बन के साथ OH और दूसरे कार्बन के साथ H, नहीं समझे, अरे H2O दो हिस्सों में टूट जाएगा, H प्लस और OH माइनस, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ करके एक कार्बन के साथ H और एक के साथ OH, लेकिन कब, जब सिमिलर हो, सिमेट्रिक हो, तो किसी से भी H किसी से भी OH जोड़ दो, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर सेटेडेफ रूल को फॉलो करेगा। समझ में आ रही बात ना, बहुत अच्छे। अब बताओ क्या बन जाएगा, इस कार्बन को दिया मैंने क्या OH, तो ये बन गया CHOH, और यहां डबल बॉन्ड टूट कर क्या बन गया CH2, नहीं समझे, बोलो ये क्या बना, अभी जो बना वो क्या बना, ये बना इथिनोल, इथिनोल, समझ में आ रही बात ना, इथिनोल, क्लियर है, एल्किनोल, एल्किलोन, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, अनस्टेबल, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या कर लेगा, टोटोमराइज कर लेगा, क्या कर लेगा, टोटोमराइज, टोटोमराइज मतलब टोटोमेरिज्म, पढ़ी हमने टोटोमेरिज्म, है ना, मतलब बस एक्सचेंज हो जाता है। टोटोमराइजेशन में क्या होता है, एटम्स का एक्सचेंज, एटम का एक्सचेंज कैसे होता है, यहां से H, यहां, यहां से डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, नहीं समझे, यहां से H यहां और यहां से डबल बॉन्ड यहां, टोटोमराइज हो जाएगा। टोटोमराइज होने का मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए। बच्चे मैंने कहा ना, अगर पहले तो हमने क्या किया भाई, हमने कहा यार पहले तो एक काम करो, पहले वाटर जोड़ो, इसमें बाद में देखेंगे, नहीं समझे, पहले वाटर का एडिशन कराओ। हमने कहा भाई वाटर का एडिशन करने पर ना मजा नहीं आएगा, स्टेबल नहीं बन पाएगा कंपाउंड। अरे कहो पहले बनाओ तो बाद में स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। अब ये पहले बन गया, अब जब ये क्लास एक बार मैंने कहा ना पहले चलो बैठो, तो जैसे हर बार होता है टेस्ट में कि पहले सब बैठ जाओ फिर उसको अरेंज करेंगे, सब कोई बात समझ में आ रही ना। तो अभी यहाँ पर पहले बैठा दिया इनको, और अब ये अनस्टेबल थे, तो इनकी अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए इनको अरेंज किया। अरेंज करने का तरीका, यहाँ से H लाए, यहाँ से डबल बॉन्ड वाले गए, बोलो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड O, इससे बनेगा CH डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड, सॉरी CH डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और ये हो जाएगा CH3, बोलो क्या बन गया, इथेनॉल। एल्डिहाइड बन गया क्या, हाँ सर बन गया, ठीक है ना, लिख लीजिए एल्डिहाइड, जल्दी करो जल्दी, देर मत लगाओ, हाँ क्या बचे, बना दो, क्या दिक्कत है उसमें, जब हम पेपर, जब हम NCERT उठाएंगे ना तो ऐसे ही दिखेंगे सब। आप NCERT अगर उठाएंगे
तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट हाइड्रेशन देगा और क्या देगा, ये बन जाएगा बस। मतलब क्या याद करना है, दो कार्बन के एल्काइन से दो कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा, बात खत्म हो गई। लेकिन बच्चे फिर भी पता तो रहना चाहिए, थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि हुआ कैसे है। हमने क्या किया है, हाइड्रेशन किया है, किसका, एल्काइन का। सर हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, एडिशन ऑफ वाटर होता है। तो पहले एक प्रोसेस वो तो देखो कि वाटर एडिशन हुआ या नहीं हुआ, तो पहले वाटर को ऐड कराया, वाटर ऐड करने पर जो मॉलिक्यूल बना वो स्टेबल नहीं था, अनस्टेबल था। ये सब मेरी अपनी बनाई हुई कथा है या कहानियां नहीं है, ये सब ऑलरेडी मौजूद कहानियां हैं, ठीक है ना। मैंने किसी और से सुनी, मैं आपको सुना रहा हूँ, समझ में आ रही बात ना, बस इतना ही समझ लीजिए। क्योंकि ये कहानियां ना इतनी ज्यादा टेढ़ी हो जाती हैं कि इन कहानियों को लोग सुनकर ही विश्वास करते हैं बस इन पे, तो ये करने का कोई चांस बनता नहीं है, कभी नहीं मिलेगा आपको, कभी मौका नहीं मिलेगा ये सब बना के देखने का। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको बस ये मानना ही है, ठीक है ना, कि क्या होगा, सबसे पहले हम एल्काइन का हाइड्रेशन कराएंगे, उससे सर उससे बनेगा एल्कीनॉल, उससे बनेगा क्या, एल्कीनॉल। एक ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, वाटर ऐड हो जाएगा, वो जो एल्कीनॉल होगा वो सर स्टेबल नहीं होगा, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम टोटोमराइज कर देंगे। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, टोटोमराइजेशन, ठीक है ना, टोटोमराइजेशन। क्या बच्चे, मर्क्यूरी सल्फेट, सल्फेट भाई, एचजी मतलब मरकरी वाला, मर्क्यूरी सल्फेट, ठीक है ना, ये तो रिएजेंट है, इनके बगैर रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। अब आ जाओ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, इसका नाम बता दो, वेरी गुड, क्या नाम होगा, प्रोपाइन। इस प्रोपाइन की रिएक्शन किससे कराएंगे, डाइल्यूट H2SO4 प्लस HgSO4 की प्रेजेंस में किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, H2O के। बोलिए क्या बनेगा, पहले वाली मिटा दूं, ठीक, बताओ जल्दी से क्या बनेगा। तो सर ये बन जाएगा CH3C, ये H2O कहां जाके अटैक करेगा, यहां, जब यहां अटैक करेगा तो एक ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, एक के साथ H, एक के साथ OH, बोलो किसके साथ OH, बोलो किसके साथ OH यार, नेगेटिव पार्ट किसके साथ जुड़ता है, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, किसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसके पास, तो सर इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहां क्या जुड़ेगा, OH, और ट्रिपल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड आके यहां क्या हो जाएगा, CH2। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो, अब ये क्या बना, बोलो नाम बताओ इसका, सर फिर से बन गया क्या, एल्कीनॉल, बोलो बन गया कि नहीं बन गया, फिर से कैसा कंपाउंड है ये, अनस्टेबल, कैसा कंपाउंड है, अनस्टेबल। इस अनस्टेबल कंपाउंड का क्या हो जाएगा, टोटोमराइजेशन, डबल बॉन्ड यहां, ये H यहां, समझ गए। अब इस टोटोमराइजेशन से बताओ क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, बोलो क्या फॉर्म हुआ, कीटोन, मतलब प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, बोलो बस समझ में नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अगर आपने कोई एल्काइन ऐसे ले ली जो कि इथाइन से बड़ी थी, ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि आप बात पकड़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, बढ़े आगे, गुलाब तो नहीं इसमें, ठीक। हो गया, एक और लिखिए, बढ़ जाएंगे, हो गया, बहुत अच्छे, देखो नेक्स्ट, सेकंड, बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, हर एक के मैं दो दो मेथड बता रहा हूं आपको, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का दो मेथड बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के दो मेथड बताए, अभी हम इसके भी दो मेथड बताने जा रहे हैं, एक तो हो गया, एक दूसरा समझ लेते हैं, हाइड्रोकार्बन से ही कैसे, ठीक है ना, देखिए फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में ही क्या आएगा, बाय, देखो बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, ये तो सबका पढ़ा हुआ है, 11th क्लास में इसको बहुत जोर दे के पढ़ाया जाता है, बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, नहीं समझे, देखिए हमें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करानी है, किसकी करानी है, एल्कीन्स की करानी है, ठीक है ना, क्या होगा, याद करो, याद है कि नहीं है, एल्कीन को जब हम ओजोनोलिसिस, हाँ वेरी गुड, ये घर जैसा बनता था, ठीक है ना, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ये, बोलो ना बच्चों, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में ओजोन के साथ रिएक्शन कराई जाती है, नहीं समझ रहे हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, वैसे तो इतनी आसान है जिसका कहना नहीं,
अभी इसको जब समरी बताऊंगा तो एकदम आसान हो जाएगी, लेकिन प्रोसेस पहले समझ लीजिए। प्रोसेस कैसे समझना है? सर हम जब इसकी रिएक्शन कराएंगे ओजोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, तो होगा क्या? ये जो ओजोन है ये इतनी रिएक्टिव है कि जाकर के दोनों बॉन्ड तोड़ देगी, दोनों बॉन्ड तोड़ देगी। अगर ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे तो सर इस CH2 और इस CH2 के बीच में यहां क्या घुस जाएगा? एक O। अब सर इस कार्बन के दो बॉन्ड तो ये और एक है, तीन, दो ये और एक है, तीन। अभी कार्बन के दो बॉन्ड फ्री हैं और ओजोन के अभी दो मॉलिक्यूल बचे हुए हैं, तो कहा एक बॉन्ड इधर O के साथ, एक बॉन्ड इधर O के साथ, ये बन जाएगा। ये जो बना इसका नाम होता है ओजोनाइड। क्या होता है ये? ओजोनाइड। इसकी रिएक्शन जिंक प्लस H2O के साथ करा देंगे। ओजोनाइड बना है अभी, है ना, ओजोनाइड। इस ओजोनाइड की रिएक्शन जिंक प्लस H2O, जिंक प्लस H2O से करा दूंगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा दो हिस्सों में। ऐसे ब्रेक हो जाता है, ऐसे ब्रेक हो जाने से बताओ क्या बन जाएगा? CH2O और प्लस ये भी क्या बन जाएगा? CH2O। CH2O का मतलब HCHO प्लस HCHO, नहीं समझे? इसका मतलब दो मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे? एल्डिहाइड के, फॉर्मल्डिहाइड के। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये है ओजोनोलिसिस, ठीक है। इसकी एक रिएक्शन बता दी, दूसरी देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो इसका नाम, इसका नाम बताओ पहले। प्रोपीन, इस प्रोपीन की रिएक्शन कराई ओजोन के साथ, बोलिए क्या बनेगा? CHCl3 के प्रेजेंस में, CHCl3 के प्रेजेंस, तो हम बोलेंगे सर ये बन जाएगा CH3CHO यहाँ, फिर CH3 यहाँ, फिर O यहाँ, फिर O यहाँ। बोलो बात समझ आए कि नहीं? यहाँ पर क्या होगा? हाँ, CH2। वेरी गुड, समझ गए? अभी को डाउट है? अब सर क्या करा देंगे? इसकी रिएक्शन जिंक प्लस H2O, तो ये टूटेगा और ये टूटेगा अलग अलग। बोलो क्या बनेगा? बोलो बच्चों, यार कसम से, CH3CHO प्लस एक क्या बनेगा? HCHO। दोनों क्या बन गए? फॉर्मल्डिहाइड। दोनों क्या बने? फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी दोनों एल्डिहाइड, सॉरी दोनों क्या बन गए? एल्डिहाइड। मैं कहना चाह रहा हूं दोनों एल्डिहाइड, ठीक है ना, एक भी कीटोन नहीं बना इसमें, तो दोनों एक बना एसिटाल्डिहाइड और एक बना फॉर्मल्डिहाइड। समझ गए? अभी को डाउट है? नहीं, हाँ, क्या चीज? अरे इससे क्या मतलब भाई? ये ओ जो बचेगा ये फर्दर ओजोनोलिसिस में क्या करेगा? हेल्प करेगा, समझ गए ना? एक्टिव होगा वो, एक ऑक्सीजन है और एक्टिव। ओजोनोलिसिस चेक करनी ना, ओजोनोलिसिस में आगे फर्दर चेन बनती चल जाएगी, ठीक है। ए, और एक रही बात आगे, जो ये ओ बचेगा यहाँ जब ZN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो ZNO की फॉर्म में अलग हो जाएगा। साइड प्रोडक्ट थोड़ी लिख रहा हूँ, जिंक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाएगा। समझ गए? बहुत अच्छे बड़े, पहला वाला तो बन गया होगा, पहला वाला। क्या इस प्रोसेस से हम लोग कोई कीटोन नहीं बना सकते? ये तो सोचो, क्या हम इस प्रोसेस से कोई कीटोन नहीं बना सकते? तो दिमाग लगाना पड़ेगा सर, कीटोन भी बना सकते हैं। बोलो कैसे बनेगा भाई? आ जाते हैं एक बार कीटोन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर तुम में से कोई मुझे बता दे CH3CH CH3CH, है ना, या सी डबल बॉन्ड, चलो जी CH3C डबल बॉन्ड CH2, पहले इसका नाम बता दो, चलो इसका नाम बता दो खाली, 2-methyl propene, वेरी गुड। ये क्या बन गया? 2-methyl propene। इस 2-methyl propene के हम क्या कराएंगे? ओजोनोलिसिस, किसके प्रेजेंस में? CHCl3 के प्रेजेंस में। बोलो क्या होगा? सर सबसे पहले ये ओजोन आकर इस पर ब्रेक अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा तो सर ये बन जाएगा CH3C CH3, और इसके यहाँ O, यहाँ CH2, फिर यहाँ O, और सर ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इधर लटका के इसको इधर कर दीजिए सर, ये हो जाएगा CH3 और ये O, फिर ये। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये जो बना है इसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहते हैं या अनस्टेबल होता है, इसको ओजोनाइड कहते हैं। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई? जिंक प्लस H2O, तो ये ZNO क्या हो जाएगा इससे? रिमूव। ZNO रिमूव हो जाएगा और ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे टूट जाएंगे दो हिस्सों में। बोलो क्या बना? इधर साइड वाला क्या बना? CH3CO CH3, और उधर वाला क्या बना? HCHO, नहीं समझे? एक बना कीटोन और एक बना एल्डिहाइड, नहीं समझे? एक कीटोन और एक एल्डिहाइड, ठीक है। तो कीटोन का फॉर्मेशन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर ना? बस सुटेबल एल्किन लेनी पड़ेगी, सुटेबल एल्किन, भाई जैसी एल्किन होगी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा ना प्रोडक्ट, क्लियर है? ठीक, CH3 CH3 डबल बॉन्ड सी, फिर यहां CH3 CH3। अब बताइए जरा,
ये कैसा है, इसका क्या नाम है? ये मैं यहाँ कुछ गलत बनाया हूँ क्या? दो चार दो, हाँ ठीक है, क्या बच्चा? हाँ यहाँ मैंने वही तो सोच रहा हूँ, क्या हो रहा है, कुछ गलत हो रहा था, ये सही है। बोलो ये क्या है, इसका नाम बता दो भाई। 2.3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, ब्यूट टू इन, वेरी गुड। 2.3 डाइमिथाइल ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे सर, ओजोन के साथ रिएक्शन करा देंगे, बोलो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड टूटेगा सर, CH3 CO और ये यहाँ CH3, फिर यहाँ ये C, फिर यहाँ ये CH3, ये CH3 और सर इसके नीचे ये O और इसके नीचे ये O। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? देखो ना, हाँ वो लिख लो, तो बच्चे हर बार लिखना ही है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है ना? ओके, अब बताओ। अब सर इसके बाद Zn+H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो सर ये टूटेगा, ये टूटेगा। बोलो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे? CH3CO CH3, मतलब दो CH3CO CH3 बनेंगे। नहीं समझे? यानी दो मॉलिक्यूल बनेंगे किसके? कीटोन के। क्या हम ओजोन लिसिस से दोनों एल्डिहाइड भी बना सकते हैं? क्या ओजोन लिसिस से दोनों कीटोन भी बना सकते हैं? क्या ओजोन लिसिस से एक एल्डिहाइड एक कीटोन भी बना सकते हैं? हाँ सर बना सकते हैं। अब इस सबको हटाकर एकदम आसान तरीका समझ लो, अगर आपको ओजोन लिसिस करानी है तो आप क्या लिख दीजिए? सिंपल, कैसे लिखिए ध्यान दीजिएगा, CH3CH double bond CH2। इसकी रिएक्शन करानी है, यहाँ लिखिए फर्स्ट प्रोसेस में O3 इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3। नहीं समझे? CHCl3। और सेकंड प्रोसेस में Zn H2O। नहीं समझे? डायरेक्ट क्या बनेगा बोलो? तो हम बोलेंगे सर इस ओजोन में से इसको तोड़कर एक ओ इसको और एक ओ इसको, सर ये बन जाएगा CH3CHO + HCHO, खत्म। मतलब क्या किया पता है? इस डबल बॉन्ड को तोड़कर, हाँ ऐसे दिया है सर, डबल बॉन्ड को तोड़कर एक ओ इसको एक ओ उसको पकड़ा दो, ठीक है ना? मैंने पूरा आपको प्रोसेस समझाया, लेकिन है ना बनता कैसे है, ठीक है ना? ठीक है, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, सॉरी इसमें दोनों एल्डिहाइड बने, इसमें दोनों एल्डिहाइड, फर्क कुछ नहीं है। इसमें कराता तो बताओ क्या बनता? ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे कर देते। यहां से डबल बॉन्ड तोड़ो, एक ओ इसको एक ओ इसको, जब इस डबल बॉन्ड के साइड में वो लिखोगे तो बनेगा CH3CO CH3, इस डबल बॉन्ड के इधर वो लिखोगे CH3CO CH3, वही कीटोन हो जाएगा। बोलो समझ में आ गई नहीं? हो गया, बहुत अच्छे। अभी तक हमने आज तीन अलग अलग चीजों से एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, प्रिपरेशन के हमने टोटल कितने मेथड सीखे? 6, है ना? तीन तो हमने क्या सीखा? तीन ऐसे रिएक्टेंट जिनसे बनाया जा सकता है, मतलब हमने तीन ऐसे केमिकल देखे जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किस किस से सर? एल्कोहल से हम एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और हाइड्रोकार्बन से हम एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तीनों के हमने दो दो तरीके देखे, इसलिए अल्टीमेटली हमने 6 प्रोसेस सीखे आज, है ना, कि हम 6 तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर है? कल एनसीईआरटी जरूर लेके आना, ठीक है ना? उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है, बाकी की चीजें